के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। हमने पहले चरण में सभी जिला पंचायतों के अध्यक्षों का प्रशिक्षण 2 दिन का सूरज कुंड हरियाणा में संपन्न हुआ है और क्षेत्र के हिसाब से सभी क्षेत्रों में जिला पंचायतों के माननीय सदस्यों का भी प्रशिक्षण संपन्न हुआ। सभी नगर निगम के सभासदों का प्रशिक्षण हम लोग कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज पश्चिम क्षेत्र के चारों नगर निगम के सभासदों का 2 दिन का प्रशिक्षण है। इसके बाद सभी मेयर और नगर पालिका के अध्यक्षों का प्रशिक्षण हम लोग राज्य में मुख्यालय में एक स्थान पर करेंगे, क्षेत्र के हिसाब से नगर पालिका नगर पंचायतों के अध्यक्षों का करेंगे, फिर नगर पालिका नगर पंचायतों के सभासदों का करेंगे और क्षेत्र के हिसाब से सभी ग्राम सभा के प्रधानों का और बीडीसी मेंबरों का और क्षेत्र के हिसाब से एक स्थान पर सभी ब्लॉक प्रमुखों का प्रशिक्षण करना हमारी केंद्रीय योजना में है। और केंद्रीय योजना में पार्टी की जो हमारी विचारधारा है उस विचार के आधार पर हम लोग सरकार में हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति, सरकार की नई नई योजनाएं और जनता के बीच में रहकर उनके अपेक्षा के अनुसार काम किस प्रकार से करना है, ये हमारा प्रशिक्षण का हिस्सा है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग मुझे उपस्थित। 2019 में भारतीय जनता पार्टी जिन लोकसभा सीटों पर भारी मीटिंग में हार का सामना करना पड़ा था, उसमें क्या विशेष रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना? भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय योजना में 14 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार हम नहीं जीत पाए। 2019 के आम चुनाव में 64 सीटें भाजपा जीती थी, बाद में 2 सीटें हम बाई इलेक्शन में जीते रामपुर और आजमगढ़। 14 सीटें ऐसी हैं जो जहां हमारे माननीय सांसद नहीं है। हम लोगों ने संगठनात्मक दृष्टि से अपने संगठन के काम, संगठन का दुरुस्तीकरण और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार हम लोग संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन 14 लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो हारी सीटें जीत थी 14 वो भी जीतेगी और जो 66 हमने पिछली बार जीती थी वो भी जीतेंगे। तो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश की 100% सीटें जीतेगी। जो आरजीआई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पवन ताजी, उनका कहना है कि जो सीटें हारी थी बीजेपी, ये हम चाहते हैं कि इनमें से 5 सीटें हमें लड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया, हम राय शुमारी करके बातचीत करके प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। एनडीए के जो भी हमारे घटक दल सहयोगी दल है उनके बारे में निर्णय करने का अधिकार केंद्रीय पार्टी को है। उन महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि वो केंद्रीय पार्टी को उनके स्तर जो भी उनके पदाधिकारी हैं वो अपना विषय रखेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी उस पर जो भी निर्णय करेगी हम पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे। ये तो जवाब सभी जो उनके गठबंधन के सहयोगी सबको जवाब देना चाहिए और उन्हें देश की जनता को बताना चाहिए कि जो उनके साथी सहयोगी दलों के लोग सनातन धर्म के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, हिंदू देवी देवताओं के बारे में जिस प्रकार की राय रखते हैं और जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे उन धार्मिक ग्रंथों के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी समाजवादी पार्टी के या अन्य दलों के लोग करते हैं, तो ये दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र देश की जनता सब जानती। अखिलेश कह रहे हैं कि 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कह रहे हैं कि 80-80 लोकसभा सीटें लड़ने के लिए तैयार उत्तर प्रदेश में, गठबंधन की गांठ क्या खुल गई? इनका चरित्र सबके सामने है। अभी लोकसभा चुनाव आने तो लोकसभा चुनाव तक आने के बाद क्या स्थिति रहेगी हम सब जानते हैं और जितने विधानसभा के राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो इंडिया गठबंधन का INDIA गठबंधन का स्वरूप क्या है ये सब जगह उजागर होने वाला। धन्यवाद।